हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस 1 लेसन नंबर 13 डायरेक्शंस एंड मैप्स पार्ट 2। प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग आर ऑफन लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। देखो, अपने परिसर के विभिन्न स्थान एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, है ना। दिस प्लेसेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज। और ये जो प्लेस होते हैं ये साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, दिस प्लेसेस मैप्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट स्मॉल। और मैप का आकार उसकी तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस हैज़ टू बी शोन इन वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप। अभी इसलिए क्या करना पड़ता है, स्थानों के बीच की दूरी मैप में दिखाते समय कम करनी पड़ती है, क्योंकि मैप कैसा होता है, छोटा होता है, और हमारा जो सराउंडिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो मैप में हम बड़ा दिखा सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए मैप में हमें कुछ स्थान दिखाने हैं तो उसकी जो दूरी है वो कम करनी पड़ती है। ओके, व्हेन वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ हाउसेस माउंटेन्स एंड पीपल वी ड्रॉ देम टू फिट द साइज ऑफ द पेपर वी आर ड्राइंग ऑन। देखो, चित्र बनाते समय हम घर हो, पहाड़ी हो, मनुष्य हो, इत्यादि के चित्र आकार में इतने छोटे बनाते हैं कि वे कागज के आकार में समा सके, पेपर पर अच्छे से आ सके, इसलिए हम उसे छोटा बनाते हैं। नहीं तो देखो, हमारा घर बहुत बड़ा होता है और हम उतना बड़ा घर पेपर पे बनाते हैं क्या, नहीं, उसका चित्र छोटा बनाते हैं। ओके, इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स। मैप बनाते समय भी ऐसा ही करना पड़ता है। इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप। वाइल ड्राइंग अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड हैज़ टू बी शोन इन सच अ वे दैट इट फिट्स द पेपर। देखो, परंतु ऐसा करते समय क्या होता है, ज़मीन पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है और बाद में यह निर्धारित करना पड़ता है कि उस मैप में किस अनुपात में कम किया जाए। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हीयर। और यहाँ पे ये मैप के स्थानों के बीच की दूरी बनाई जाती है और नीचे गए दिए गए चित्र की सहायता से हमें इन्हें अच्छे से समझना है। देखो, यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। अभी ये चित्र बना रहे तो वो कितना बड़ा घर दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन चित्र में उसकी दूरी छोटी लेनी है हमें, छोटा चित्र निकाला गया है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब थोड़ा सा समझ लेना है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड रेशमाज हाउस इज 10 किलोमीटर्स। द स्केल यूज ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस, मतलब रसिका और रेशमा के घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और मैप खींचने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यह पैमाना लेना है आपको। ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेज, मतलब मैप में उनके घरों के बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको पूछा है। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में कागज पर ये
रूलर की सहायता से ये दूरी आपको समझ लेनी है। ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, दस नेचर कैन बी आवर गाइड। मतलब देखो, दिशाएं या उपदिशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है और उसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली, मतलब नेचर की सहायता ली, और राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त इनका मेन प्रमुख आधार होता है। इसके बेसिस पर, राइजिंग और सेटिंग ऑफ द सन के बेसिस पर दिशाएं मनुष्य ने निर्धारित की है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन। रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, मतलब रंजना और जूली शहर के लिए किसी दूसरे गांव आई है। दे वांट टू गो फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू अ गार्डन, मतलब उन्हें उनके रहने के स्थान में गार्डन की ओर जाना है, उनके रहने के स्थान से गार्डन की ओर जाना है उन्हें। तो दे हैव अ मैप ऑफ द एरिया, उनके पास मार्ग का मैप है। हेल्प देम फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द गार्डन, मतलब उनके रहने के स्थान से गार्डन तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है और ज्ञात करने में उनकी सहायता करनी है। ओके, वे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का स्थान और गार्डन, ये दोनों की दूरी उनको समझने में आपको मदद करनी है। हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फॉर द रेजिडेंस उनके रहने के स्थान से गार्डन किस दिशा में है उसे खोजने में उनकी सहायता करनी है। यहाँ पे आपको नीचे ये पिक्चर दिया है, मैप दिया है। ओके, व्हाट वी लर्न्ड, आज हमने क्या क्या सीखा। आइडेंटिफाइंग सब डायरेक्शंस मीन्स क्या, उपदिशाओं का परिचय हमने देखा, जानकारी ली। द कंपास रोज मतलब दिशा चक्र देखा हमने। द प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ मैप्स मतलब मैप की अनुपातबद्धता पैमाने के अनुसार होना। और नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड ऑन द ग्राउंड, मतलब मैप में दूरी तथा ज़मीन की दूरी के बीच का हमने संबंध देखा। ऐसा हमारा ये लेसन था, डायरेक्शंस एंड मैप्स। यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।